नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरह से अनुच्छेद 370 हटने से पहले कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, ठीक उसी तरह अब पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल की बैठक के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बीते दिनों भारी संख्या में जिस तरह से अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और अब भी तैनाती की जा रही है, उसने तो पाकिस्तान की भी बेचैनी बढ़ा कर रख दी है। इमरान खान और भाजपा की कायर फौज बुरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि साल 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद यह पहली बार है जब यहां इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती हुई है। जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर के गद्दार नेताओं को बीपी बढ़ना लाजमी है। दरअसल शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्विभाजन से लेकर जिलों के पुनर्गठन हो सकता है। वही ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव कराए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। उधर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत को गीदड़ भभकी दी है। जी हाँ, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर भारत ने कश्मीर में कोई और कदम उठाया तो पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान ने गुरुवार को कश्मीर के संबंध में कोई और कदम उठाने के खिलाफ भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।